हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयकिशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बोडॉल यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो आज का वीडियो है दोस्तों एक पीसीबी के ऊपर हम अपना मार्कर से कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके ऊपर है, और एक पावर सप्लाई हमने बनाया है दोस्तों। और ये पावर सप्लाई आप ऑनलाइन खरीदते हैं दोस्तों तो बहुत ही कॉस्ट आपको लगता है दोस्तों, और अगर थोड़ा माइंड लगाते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो बहुत कॉस्ट आप बचा सकते हैं दोस्तों। तो पैसे बचाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने जो मार्कर का हमने जो मार्क किया था वो ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा ये ग्रीन मार्क्स का काम करेगा, हमारा पीसीबी और लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हटा देते हैं तो दोस्तों इसका मार्कर की जो है ये जो मार्कर से लगाया था इसको हटा देंगे तो उसको ग्रीन मार्क्स लगाना ही पड़ेगा। वो किस लिए लगाते हैं, क्योंकि इस पीसीबी को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहिए इसलिए लगाते हैं, लेकिन हम इसको नहीं हटाएंगे। अब भी चाहे चाहिए तो हटा सकते हैं या फिर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाएं और आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं देख लीजिए, इसमें जो हमारा पावर सप्लाई है यहाँ से ट्रांसफार्मर ऐड होगा, ठीक है। ये जो तीन होल देख रहे हैं यहाँ से हमको ट्रांसफार्मर तार ऐड होगा, 24 से 45 तक ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ ब्रिज के फायर लगा के और यहाँ से हमको कैपेसिटर लगाना है। इसमें हमको एडजस्ट करके लगा सकते हैं, जितना वोल्टेज आपको चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे कैपेसिटर उसी तरीके से चेंज करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको तीन आउटपुट मिलेगा, जो कि तीन ऑडियो बोर्ड को हम चला सकते हैं एक साथ में, ठीक है दोस्तों। तीन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 12 0 और 12, और यहाँ से 12 0 और 12 दूसरा हो गया, ये यहाँ से 12 0 और 12, मतलब 12 0 और 12 नहीं, आप 24 0 24 लगाइए, 45 0 45 लगाइए, कोई भी लगाइए, तीन ऑडियो यहाँ से रिसीव आप कर सकते हैं, तीन ऑडियो एम्पलीफायर को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो इसमें 78 0 5 का भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। आप 78 12 भी लगा सकते हैं, 78 0 5 भी लगा सकते हैं, जो आपको ब्लूटूथ चलाने में काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं ये सब कुछ ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। तो दूसरा पीसीबी हम आपको बनाएंगे, उसका वीडियो मिलने के लिए आपको थोड़ा टाइम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 78 0 5 इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको इसी से एक ही ट्रांसफार्मर से वो सब कुछ आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो कैसे मिलेगा अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना फिनिशिंग तो इसका अच्छा नहीं है जो हमारे रेडीमेड लेते हैं, लेकिन फिर भी है बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप पैसे बचाना है तो आप थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं बचाना है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं पावर सप्लाई का लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप सही वहाँ से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, हमारा सुझाव कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए पहली बार आए इस चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।